13 convert to iOS। गाइस ये वीडियो में कुछ मंथ पहले YouTube पे डाला था जिसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे मिला था, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम था कि वो सिर्फ रूटेड डिवाइस के लिए था। लेकिन गाइस मैं आज और एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें आप विदाउट रूट अपने किसी भी Xiaomi, Redmi या Poco का डिवाइस जिसमें MIUI 13 रन कर रहा है और होपफुली ये MIUI 12 में भी काम कर जाएगा, तो उसमें सेम टू सेम गाइस आप iOS का लुक दे सकते हो, जिसमें इसका डायलर, मैसेजिंग, सेटिंग्स और इसका जो वॉल्यूम पैनल है देख सकते हो, सब कुछ आप iOS में कन्वर्ट कर सकते हो। देख सकते हो कंट्रोल सेंटर कोई म्यूजिक वगैरह ओपन करेगी, सब कुछ काम करेगा। देख सकते हो लॉक स्क्रीन में भी, तो सब कुछ आपको परफेक्टली वर्किंग मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो और आप इस तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। इसका जो फुल यूआई है वो कंप्लीट यूआई करने में मुझे बहुत टाइम लगा था, तो प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखा दिया करो। सबसे पहले गाइस मैं इसका जो फीचर्स वगैरह है और यूआई वगैरह और आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो वो पहले देख लो, ठीक है? उसके बाद मैं दिखाऊंगा आप भी अपना डिवाइस को किस तरह से ये लुक दे सकते हो, ओके? तो सबसे पहले गाइस लॉक स्क्रीन देख लो, कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिल जाएगा इसमें, जहाँ से आपको टॉर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से टॉर्च का ऑप्शन ऑन करोगी तो टॉर्च ऑन हो जाएगा, यहाँ से आपको कैमरे में मिल जाएगा जो वन क्लिक में आप डायरेक्टली कैमरा में ओपन कर सकते हो। कोई म्यूजिक वगैरह गाइस अगर आप ओपन करोगी तो रुक जाओ, देख सकते हो कोई म्यूजिक वगैरह अगर ओपन रहेगा तो आपको यहाँ पर वो पॉपअप शो हो जाएगा और ऑफ वगैरह भी कर सकते हो, नेक्स्ट वगैरह भी कर सकते हो। इधर टच करके आप डायरेक्टली म्यूजिक में एंटर कर सकते होगे, जो इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन मिल जाएगा। आप देख लो गाइस इसका होम स्क्रीन जो कुछ इस तरह से आप लुक दे सकते होगे, जो देख सकते हो सेम टू सेम iOS जो आपको मिल जाएगा। आप गाइस बात करते हैं इसका वॉल्यूम पैनल के ऊपर, ठीक है? जो कुछ इस तरह से आपको लुक देखने को मिल जाएगा, यहाँ से टच करके थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, देख सकते हो ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हो, नीचे वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से कॉलिंग, अलार्म, रिंगटोन और म्यूजिक वगैरह की जो ऑप्शन हो आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप फोन को साइलेंट वगैरह भी कर सकते हो। बात करते हैं गाइस इसका कंट्रोल सेंटर जो एक हाईलाइट फीचर्स बोल सकते हो, जो ए वाला देख सकते हो, जिसमें आप म्यूजिक वगैरह इधर से ऑन कर सकते हो, नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, इसमें अगर आप ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है इसमें प्रेस एंड होल्ड करके रखोगी, तो मैं तो अलाउ नहीं किया, तो देख सकते हो यहाँ पे प्रेस करके रखोगी तो आपको कुछ इस तरह से लुक मिल जाएगा, जहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो जो ब्राइटनेस है उसको, इधर से आप ऑटो वगैरह भी कर सकते हो। बैक में आगे म्यूजिक का ऑप्शन में भी अगर आप सिलेक्ट करके रखोगे, मतलब टच करके रखोगे, तो सिस्टम का साउंड, म्यूजिक और इस तरह का जो रिंगटोन वगैरह है वो साउंड को आप एडजस्ट कर सकते हो, ओके? और इसमें भी सारे टॉगल्स आपको वर्किंग मिल जाएगा, देख सकते हो फ्लैश लाइट, डू नॉट डिस्टर्ब और ये क्या है शायद डार्क मोड का ऑप्शन है, तो देख सकते हो डार्क मोड ओपन किया हूँ तो देख सकते हो डार्क मोड भी परफेक्टली वर्किंग है, देख सकते हो, तो सब कुछ आपको इसमें वर्किंग मिल जाएगा, ओके? आप चलो गाइस इसका सेटिंग का जो इंटरफेस है वो भी आप लोगों को देखा देता हूँ। तो देख सकते हो इसका सेटिंग का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। और साइन टू योर आईफोन में जाओगी तो आपको इधर जो iOS 16 है वो आपको देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन का सेटिंग में जाओगी जो आपको कुछ इस तरह से लुक देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और किसी भी सेटिंग में अगर आप एंटर करोगे तो उसका लुक आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा, तो देख सकते हो इस तरह से इसका भी लुक आपको मिल जाएगा। अब चलो इसका जो डायलर है जो देख सकते हो कंप्लीट iOS के तरह मिल जाएगा, मैसेजिंग में आपको जो iOS है उस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा और रिसेंट मेनू आपको ये वाला मिल जाएगा, ओके? तो ये था गाइस इसका फीचर्स वगैरह, ठीक है? तो चलो मैं सबसे पहले आप लोगों को को सबको इंस्टॉल करके आप लोगों को कम्प्लीटली दिखा देता हूँ आप किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? सबसे पहले गाइस आप लोग जो चार एप्लीकेशन है नीचे इस तरह से चार एप्लीकेशन को
आप इधर ऐड कर लेना, ठीक है। इधर ऐड कर लेने के बाद इधर भी आप जो आपको यूज़ करते हो जो एप्लीकेशन, उसको आपको इधर ऐड कर लेना होगा इस तरह से, जो मेरे में देख सकते हो, ठीक है। ये ऐड कर लेने के बाद आपको ए वाला जो विजेट है, गैलरी का विजेट, तो ये तो आप जानते हो कहाँ से आप ऐड कर सकते हो, तो ए गैलरी का विजेट आपको ऐड कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद ए वाला जो कॉन्वर्सेशन है, ये आप कहाँ से मिलेगा आपको, तो आपको विजेट में जाना होगा सेटिंग का, होम स्क्रीन का, ओके। तो देख सकते हो, मैं देखा ही देती हूँ आप लोगों को। इधर से आपको ऑल पे जाना होगा, ठीक है। ऑल पे जाने के बाद देख सकते हो गाइस एंड्रॉइड विजेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इधर देख सकते हो सिस्टम ही ए वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना होगा इधर, ओके। कर देने के बाद आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो, अदरवाइज आपको किसी कॉन्टैक्ट है वहाँ पर भी आपको शो हो जाएगा, तो आप वन क्लिक में ये ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेना होगा। तो आई होप आप देख लिया किस तरह से आपको ए वाला जो विजेट है वो ऐड कर सकते हो। गैलरी का विजेट ऐड करना चाहते हो तो गैलरी पे टैप करके रहना होगा, उसके बाद विजेट आएगा, तो यहाँ से भी आप विजेट को ऐड कर सकते हो। जो ए वाला है उसको ऐड टू होम स्क्रीन कर देना होगा, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा, ओके। तो ये तो हो गया गाइस इसका होम स्क्रीन के बाद, ठीक है। और ए वाला जो विजेट देख रहे हो मेरे में, तो ए वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग चाइना रोम यूज़ कर रहे हो तभी आपको ए वाला मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको जो हमारे इंडियन रोम है उसमें आप ए वाला विजेट जो है, सॉरी मेरे में तो गूगल नहीं है, आपको गूगल वाला जो एक विजेट है तो उसको आप इधर ऐड कर लेना, ठीक है। उसके बाद गाइस आप लोगों को फिर से होम स्क्रीन के सेटिंग में जाना होगा, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डोंट शो टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको आपको ऑन कर देना होगा, डोंट शो टेक्स्ट, जो मेरे में देख रहे हो कोई टेक्स्ट वगैरह के नाम नहीं शो हो रहे, ठीक है। तो ये भी आपको कर लेना होगा, डोंट शो टेक्स्ट करना होगा, ठीक है। तो कर लेने के बाद आप लोग अब चले जाना है अपने जो थीम स्टोर है उसमें, ठीक है। तो थीम स्टोर पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ए वाला फ़ोन डाउनलोड करना होगा, जो iOS फ़ोन, ठीक है। तो थीम स्टोर में नॉर्मली आपको मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया फ़ोन की बात, बैक में आना होगा और एक दो थीम की ज़रूरत पड़ेगा आपको, देख सकते हो iOS 60v30, ठीक है। तो आपको ए वाला थीम को डाउनलोड कर लेना होगा, उसके बाद ए वाला जो थीम है A14, ठीक है। तो इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद बैक में आओ, आप इस ए वाला जो थीम है iOS 16v13, ठीक है, इसको आप होम स्क्रीन और जो सिस्टम है और जो आइकॉन है, देख लो गाइस ध्यान से, होम स्क्रीन, सिस्टम और आइकॉन्स, उसमें आपको अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर देने के बाद ए वाला जो विजेट कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद आपको स्मॉल विजेट देख सकते हो, इधर स्मॉल विजेट में क्लिक करके आपको ए वाला जो तीर का ऑप्शन शो हो रहा है रेड करके, यहाँ पर आपको टच करना होगा, उसके बाद और टच करना होगा, उसके बाद ए वाला विजेट आ जाएगा। ऐसे आपको डबल टैप करके आप विजेट वगैरह को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपको पसंद है वो आप इधर रख लेना ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हो गया होम स्क्रीन, तो वो कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से लुक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया होम स्क्रीन के भी सेटअप वगैरह की बात। बैक में आओ, जो कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन, तो ए वाला जो थीम है इसको सिर्फ आप लॉक स्क्रीन पे ऐड कर लो, A14, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन पे सिर्फ ऐड कर लो। तो कर देने के बाद इसका जो लॉक स्क्रीन है कॉम्प्लीट है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ए हो गया। अब देखना आप अपने डिवाइस के सारे सेटिंग में कहीं पर भी जाओगी तो आपको जो iOS का लुक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पर भी जाओ सेटिंग का तो iOS का लुक देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन में और एक सेटिंग आप कर लेना, सेटिंग में आने के बाद जो एनरिच आइटम इन रिसेंट्स, ठीक है, ऐसे आप हॉरिजेंटली कर लेना, वर्टिकली नहीं करना, हॉरिजेंटली कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया होम स्क्रीन वगैरह की सब की बात। अब चलो कंट्रोल सेंटर की बात, ठीक है। तो मैं दो APK का लिंक अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दूंगा, अदरवाइज आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ऐड वगैरह शो होगा। सबसे पहले आप देख सकते हो आई सेंटर, ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो इंस्टॉल, तो ओके इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद और एक एप्लीकेशन है जो वॉल्यूम स्टाइल, ठीक है, तो वॉल्यूम स्टाइल इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो इंस्टॉल करने के बाद ओके, उसके बाद आपको परमिशन वगैरह इसमें देना होगा,
तो कॉलम स्टाइल को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस तरह से ऑप्शन आएगा गाइस, ध्यान से देखना ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, एसेसिबिलिटी सर्विस यहाँ पे आपको टच करना होगा। उसके बाद जो डाउनलोडेड ऐप्स यहाँ पर जाना होगा, जाने के बाद देख सकते हो वॉल्यूम स्टाइल्स ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद यूज वॉल्यूम स्टाइल, तो यहाँ पर आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा, वार्निंग वगैरह आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इग्नोर कर देना। इधर जो टाइम है उस होगा, उसके बाद ओके कर देना ठीक है। ओके करने के बाद बैक में आओगी और भी कुछ परमिशन शो होगा, तो सबसे पहले आपको इधर मिल जाएगा iOS ठीक है। तो आपको जो भी पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारे गाइस भर भर के है, जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो मैं iOS का ही दिखाता हूँ, कहाँ पर ये iOS जो ए रहा iOS ठीक है। इसको ऐड करने के बाद आप देख सकते हो इसका सेटिंग आपको इस तरह से मिल जाएगा, लेकिन आप इसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो। जो देख सकते हो मुझे ये कलर पसंद है तो ये कर दूंगा, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बैक में आओ, अगर वॉल्यूम में पहली बार आप टच करोगे तो थोड़ा आपको परमिशन देना होगा फिर से, तो ओके कर देना होगा। ओके करने के बाद अलाउ डू नॉट डिस्टर्ब, ओके अलाउ ठीक है, कर दिया, बैक में आ गया। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें साइलेंट वगैरह भी कर सकते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हो गया गाइस वॉल्यूम पैनल की बात थी। उसके बाद कंट्रोल सेंटर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा ये ओपन होने में। इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो डू नॉट शो अगेन कर देना, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके देख सकते हो आ गया, तो नोटिफिकेशन एक्सेस ठीक है, यहाँ पर आपको टच करना होगा। उसके बाद देख सकते हो आई सेंटर एंड आई नोटिफिकेशन ठीक है, यहाँ पर जाना होगा अलाउ नोटिफिकेशन एक्सेस, तो यहाँ पर आपको आई एम अवेयर ऑफ द पॉसिबल रिस्क ओके कर देना होगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अलाउ कर देना होगा ओके। तो ओके कर देने के बाद फिर से बैक में आना होगा, परमिशन हो गया बैक में आना होगा। इस तरह से और एक ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको परमिशन वगैरह ऐड कर देना होगा, ऐसा है ना, अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर्स ऐप ठीक है। अलाउ कर देने के बाद बैक आना होगा, बैक में आने के बाद और एक परमिशन आपको देना होगा, डाउनलोडेड ऐप्स और जो आई सेंटर नोटिफाई देख सकते हो इसमें भी आपको अलाउ कर देना होगा, तो थोड़ा वेट करो। ओके गाइस देख सकते हो ये अलाउ हो चुका है ओके ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से ये लुक देखने को मिल जाएगा, जो नोटिफिकेशन की बात करें जो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ कंट्रोल सेंटर को भी रख सकते हो ठीक है। जो मैं मुझे ये वाला जो नोटिफिकेशन है पसंद नहीं आया ठीक है, तो मैं सिर्फ इसका कंट्रोल सेंटर रखना चाहता हूँ, तो नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिया ठीक है। और गाइस इधर भी आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो आप देख लेना, जो बहुत सारा आपको इसमें कस्टमाइजेशन इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से भी आप लुक दे सकते हो ठीक है। तो जब पहली बार आप इधर से कोई ट्रावल्स को ऑन करेगी तो इसमें थोड़ा आपको अलाउ करना होगा ठीक है, तो अलाउ इधर फिर से कर देना होगा। गाइस ध्यान से देख लो, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है। तो ये कर देने के बाद देख सकते हो आप इधर टच करके रखोगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, जो सब कुछ परफेक्टली वर्किंग है ठीक है। अदरवाइज आप गाइस इसमें जो ए वाला कंट्रोल सेंटर इसको भी आप ऐड कर सकते हो, जो मैं दिखा दो ए वाला अगर आप चाहते हो, जो बैक सेव देख सकते हो नीचे हो जाएगा ठीक है, जो वन हैंडेड, तो ये भी सब कुछ वर्किंग है देख सकते हो, म्यूजिक वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे तो यही टॉप वाला पसंद है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा ठीक है। इस एंड में आपको और एक काम करना होगा, तो देख सकते हो इधर जो आई कंट्रोल एंड नोटिफाई iOS 16 वो आपको शो होगा ठीक है। जो नोटिफिकेशन आप इसमें प्रेस करके मोड पे जाके इसका जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कर देना, और ये वाला जो कंट्रोल सेंटर का APK है इसका रिसेंट में जाके इसमें प्रेस करके इसको लॉक कर देना ओके। और जो वॉल्यूम स्टाइल है इसको भी आप रिसेंट में जाके लॉक कर देना इस तरह से, मेरे में देख सकते हो लॉक है, तो लॉक कर देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सब कुछ आपको वर्किंग मिल जाएगा। और एक चीज़ आप नोटिस करना गाइस, अगर आप इधर से अगर सेव करोगे तो आपका जो Mio 13 वाला जो स्टॉक कंट्रोल सेंटर है वो भी आपको मिल जाएगा। ये वाला ले आने के लिए आपको इधर से स्वेप डाउन करना होगा ओके। तो इस तरह से गाइस आप अपने किसी भी Xiaomi, Redmi या Poco आदि डिवाइस में iOS का लुक दे सकते हो। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया हो और इस तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।